कई बार कई लोग न्यू कहे भाई हमने कामयाबी नहीं मिली, बहुत संघर्ष कराया। आदमी को फल तब मिलता है जब वो कर्म करता है, और कर्म भी निस्वार्थ कर्म करता है तब। मैं अपने आप से देखा करूं, कई बार मैं दसवीं में हो गया फैल, मेरा बाबू बोले के करेगा ब्याह दिया कर, मकई खेती करांगे, ट्रैक्टर कटवा लिया, ट्रैक्टर कटवा के, लेकिन मेरे कीड़ा था गान बजाने का लिखने का। मेरा बाबू बहुत रोकया करता, लेकिन मैं रुकया नहीं। रात न कि मैं काम भी नहीं धक्के काम बना दिया करता, आज तो यो काम करना, उसको ये पता चल जाता कि जावेगा तो धक्के ते न्यू कर जाते, यो काम करना है, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुकया। आज जब मैं देखता हूं इस सफर को तो एक बात याद आती, मैंने उस पर कविता लिखी है, अच्छी लगे तो कहीं तालियां बजाइएगा, कि बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। कैसे होता होगा? सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है, जो भी करते काम हो उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस पॉजिटिव थॉट और जुनून जगाना पड़ता है, आते हैं गलत विचार तो उनको दूर भगाना पड़ता है। जिनका कोई वजूद नहीं हुआ आगे बढ़ने से रोकेंगे, उनसे बचकर रहना, हमें बात बात पर टोकेंगे, एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें देखकर चौंकेंगे, जब कामयाब हो जाओगे देख रोज सलामी ठोकेंगे। लोगों के ताने सहना आसान नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। पर जैसे ही राह पर निकलेंगे तो बहुत ब्रेक कर आएंगे, टूटी हुई सड़क होगी कहीं पर गड्ढे भी मिल जाएंगे, पर अपने ऊपर विश्वास और संयम फिर तेरा साथ निभाएंगे, फिर बड़ा हाईवे आएगा हम तेजी से चल पाएंगे। पर जैसे ही कद लगे होने बड़ा फिर छोटा बन के चलना है, जो भी राह में आएगा उसे बड़े प्रेम से मिलना है, जल सा शीतल हो जाना और फूल के जैसे खिलना है, अहंकार को करना दूर और नहीं किसी से जलना है। सबसे मिलके आगे बढ़े फिर वो नाकाम नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। पर जैसे ही नाम होता है या कामयाबी मिलती, मुझे लगता है वहां से ज्यादा संघर्ष की जरूरत होती है, कि असली संघर्ष अब होगा। सुनो कहां पर खो गए तुम, किसी एक के रहे नहीं सारी दुनिया के हो गए तुम, सोच समझ कर चलना है, मुश्किल होगी जो सो गए तुम, और संभाव जरूरी होगा यहां पर ध्यान रहे कहीं मो गए तुम। राम केश नादान बहुत परंदर से तू ज्ञान जगा, गुरु रणबीर सिंह की सेवा करके अपनी चिंता दूर भगा, सच्चाई से काम किए जा किसी से करना नहीं दगा, और दादा जगन्नाथ जो कह के गए थे उसके ऊपर ध्यान लगा, कि बिना संघर्ष इस जीवन का ज्ञान नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। इसलिए दादाजी कहा करते कि बेटा जीवन में दुख सुख आएंगे, लाभ हानि आएगी, हार जीत आएगी, लेकिन घबराना नहीं है। आदमी के भीतर एक डर होता है जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता, लेकिन दादाजी ने मेरे डर को बाहर निकाल कर फेंक दिया, और वो ये बात कहते थे, ध्यान से सुनिएगा, ये भजन सुनोगे तो इससे जीना आएगा। कई आजकल एक बीमारी चल रही है जिसका नाम है डिप्रेशन, उस डिप्रेशन की ना कोई गोली है, ना कोई बट्टी, ना कोई टिक्का, लेकिन यह जो भजन सुनाऊंगा ना, ये नुमालिए पूरा सुहा लगेगा। कैसे क्या बता भला, के जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जैसे रोज सुबह को चढ़के सूरज शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, बदलता है।
कई बार सोचते हैं कोई घना प्यारा हो जिस तक बहुत ज्यादा प्यार करते हो न्यू लागे अगर जय मनस ना रहा तो क्यों कर जीऊंगा, जिया नहीं जाएगा। वो आदमी कहता नहीं फिर भी हम जीते हैं और के बेरा उसके जाए पछे और बड़ी अटल जीन लग जावे फिर क्या घबराना है। जिसने समझे जानते प्यारा वो भी एक दिन ओ जनारा। जिसने समझे ओ भी एक बैगर के थे तुम्हार एक बैगर के कौन संभलता है बदलता जमाना। कहती है दुनिया सारी आपके सामने बहुत ही अच्छी रागनी सुना रहे थे। 200 रुपए से सम्मान करने भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार से दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करता रहे, इसी प्रकार से अपनी वाणी से समाज की सेवा करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। गाया जाते हरी गुण गाले खाया जाते तू गम खाले। गाया जा हरी गुण गाले खाया और जोत से जोत मिला ले जोत से जोत मिला ले। ये जोत से जोत कैसे मिलती है मैं दादाजी से पूछा करता, मगर दादा जोत से जोत मिलेगी कैसे, आपने लिख तो दिया। तो उन्होंने बताया कि जितने भी जीव धरती के ऊपर हैं उनके अंदर एक आत्मा है और वो आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती है। जिस प्रकार से एक बूंद सागर में मिलने के लिए तड़पती है, जब तक वो सागर में नहीं मिलती तब तक तो बूंद है, लेकिन जैसे ही सागर में मिल जाती है वो बूंद नहीं रहती, वो भी सागर कहलाना शुरू कर देती है। इसी प्रकार से हमारी जो ये आत्मा है जिस दिन उस परमात्मा में मिल जाएगी फिर ये आत्मा नहीं रहेगी, ये भी परमात्मा कहलाना शुरू कर देगी। ज्योत से ज्योत मिला ले ज्योत से ज्योत मिला ले ये वक्त निकलता है
सुंदर जी मदल श्री जगन्नाथ तू चाल देख के चाल देख के चाल देख के चाल देख के जगन्नाथ तू चाल देख के ऊंची नीची गाल देख के तू चाल देख के ऊंची जिस प्रकार से हम गली में चलते हुए ये देखते हैं कि मैं कभी ऊंचा नीचा ना हो, इसी प्रकार से इस जीवन को जीने का भी एक तरीका है, एक नियम है, जो उस नियम के अनुसार जीता है उसको यहाँ पर सुख भोग करके अपनी मोक्ष प्राप्ति होती है, और जो नियम को तोड़ देता है उसे यहाँ भी कुछ नहीं मिलता और सजा मिलती है अलग से। दादाजी बताया करते कि एक नियम है यहाँ का, श्याम सुंदर सनातनी जी 11,000 रुपए भंडारे में भी देते हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दो। कि एक नियम है यहाँ का, कुछ पार ना बसावे, दिन रात गात खोले फिर भी हाथ कुछ ना आवे, और जैसा काटना तू चावे वैसा बोना पड़ेगा, यहाँ पानी से पहले कुछ खोना पड़ेगा, जाने जिंदगी में क्या क्या जंग होना पड़ेगा और यहाँ पानी से पहले कुछ खोना पड़ेगा। कदे दुख भी आने घेरे, कदे चिंता भी सतावे, कदे मौज मस्ती के मारे रंगरलिया भी मनावे, कदे हंसे कदे गावे, कदे कदे रोना भी पड़ेगा और यहाँ पानी से पहले कुछ खोना पड़ेगा। कि जगन्नाथ राखिए दिल में विश्वास उसका, पृथ्वी चांद तारे और है आकाश जिसका, है कण कण के मवास उसका। एक लाला जी ने सवेरे सवेरे दुकान खोल ली, दुकान खोल के पूजा पाठ करने लगे, थानू ताली बजाइए थी, जैसे ही ताली बजाई एक बाबा जी आ गए, जैसे ही लाला जी ने बाबा जी को देखा एकदम मथे में त्योड़ी पड़ गई, क्यों हो पहला एक राग बाबा और बोनी भी नहीं हुई। बाबा जी कहने लगे भाई क्या ले रहा भाई दुकान में, बहुत गुस्से में था लाला जी ने बोला सब कुछ ले रहा हूं बाबा। अब बाबा जी ने अपनी झोली से 10 का नोट निकाला, बहुत पुराने जमाने की बात है 10 रुपए बहुत बड़ी बात थी, जैसे ही लाला जी ने 10 का नोट देखा एकदम घीसा के लगा हाथ में तो खोस लिए, बता बाबा कि दिनार गले में ने बोला भाई तेरी दुकान में तो सब कुछ है, ऐसा कर मुझे 10 रुपए का सब कुछ ही दे दे। थोड़ी सी देर होगी अपना सामान जचाने लग गया, ने बोला दे दे भाई सब कुछ है, ने बोला डट जा बाबा ढूंढू, एक 10 का और काट लिया, ने बोला ले इसका कह दू, ने बोला 10 रुपए का ही ढूंढू भी दे दे। अब लाला जी का कुछ समझ नहीं आने, बोला डट जा बाबा घर पे ले आऊं, जैसे ही घर पे गया सेठानी गुस्सा हुई, क्या बात हुई दुकान नहीं खोली, ने बोला खोल ली थी, फिर क्या ऐसे ऐसे बाबा जी का सब कुछ मांग लिया ढूंढू मांग लिया, अब क्या दूं। अच्छा ये बात है कहां है बाबा जी, बोला दुकान आके खड़ा है। जगन्नाथ तू चाल देख के ऊंची नीची गाल देख के